हुआ। लेट कैसे हो गई है? पापा का तबियत ज्यादा खराब था, इस वजह से लेट हो गया। अब क्या कोई जान दे देगा क्या टाइम पे पहुंचने के चक्कर में? कितने बजे यहाँ पहुंचे थे आप? हम बस पर हम 2-3 मिनट लेट है, 9 बजे यहाँ गेट बंद हुआ है और हम 9:02-3 मिनट पे पहुंचे हैं यहाँ पे। तो क्या बोला गया? यहाँ पे अंदर नहीं घुसने दिया, 4 मिनट पर यहाँ गेट के सामने पहुँच गए थे, फिर भी मतलब इनको प्रवेश नहीं करने दिया। यहाँ देख रहे हैं इनके पापा है, बेटी है, मेरे कोई है नहीं, मेरा लाइफ खराब है। सही हो रहा है? नहीं, एकदम गलत है। कल भी ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा। मात्र लड़की 9:05 बच्ची आई है, 9:02 पर बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है, रोड भी जाम था, पूरा रोड जाम था। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया है, गोर हाथ सब धरा है, पैर पर है, मतलब नहीं जा ऊपर में भी इसका कोई नहीं जा रही है। 9:02 पर बच्ची आ गई है, 9 या 2 या 3 क्या? बस बस हां, यही 15-20 मिनट बाद इनका स्टाफ बजाने दिया, हां इनका स्टाफ बजाने दिया है, स्टाफ के लिए जाए सूट लेट ना, और बच्चा के लिए लेट ना। ये तुमसे कही है लड़की पहले आई थी तो उसको नहीं जाने दिया मैडम, 15-20 मिनट बाद तो जाने दिया, नौ बज के 5 मिनट घर से उतरी और मजिस्ट्रेट साहब गए, 9:05 गेट बंद थी, गेट पर आई और 9:07 में वो गेट पर पहुंची, उसके बाद गेट नहीं खोले। उसके बाद जैसे कि जो शिक्षक आए हैं 20 मिनट बाद आई, उसके बाद भी एंट्री मिला, कैमरा भी है कि बंद है, एंट्री मिला। उसके बाद जो एक बार फिर हुआ है, खुले कोई आदमी है, उसके बाद बोला गया कि वीडियो उसको बनाए तो यहाँ से फायर हो गया, चला गया। प्रशासन अब आता है 9 बजे आता है, जाम खुला नहीं, उससे पहले कहाँ रहता, सोता हुआ रहता। सरकार नियम लगाता है की इतना पहले तो 9:25-30 मिनट एंट्री होता है, आप 9 बजे तक ये जो है बहुत ही गलत बात है। आज देखिए इनके पिताजी मर जाएंगे तो जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? हम या जो अभी हार्ट अटैक कर देगा बेचारा को, अभी धर रहा है हम लोग, थरथरा रहा है, 2 मिनट के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम लोग उनको। ये सारी समस्या बताइए, इन लोगों के चलते हो रहा है। मैडम को 10-15 मिनट आई लेट, उनको जाने दिया, आखिर क्यों? आपसे पूछ रहे हैं, आप भी जवाब दीजिए। विद्यार्थी क्यों नहीं गए, काहे नहीं गए? किसी का माँ बहन, हम लोगों का भी माँ बहन है, तो ये बिल्कुल मतलब ये क्या कहा जाए, बहुत ही गलत बात। आज बेटी बचाओ बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ चल रहा है ना? आपको मुंह से कहना कह दिए, लेकिन यहाँ देखिए ना ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। आप मंत्री, शिक्षा मंत्री है, ठीक है, आप ग्राउंड लेवल पर घूमिए, सबके लिए सिस्टम एक रखिए। मास्टर के लिए 15 मिनट लेट आएगी तो ठीक है, बच्चा अगर 1 सेकंड लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया, जाम चल रहा था, उसमें क्या तो बैंड है? सबके लिए ये 9:04 पे आई है, क्या इसको जाने का उचित नहीं था? मास्टर 15 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है तो उनको एंट्री कर लिया गया। अब वीडियो बनाया जा रहा है तो वो भाग रही है, ये सीसीटीवी कैमरा में पेपर लगा रखा है, ये कौन है, कहाँ का नियम है, जरा ये नियम हम लोग को बताइए भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग अगर ये नियम लागू करता है कि 1 मिनट का भी छूट नहीं देना है तो ट्रैफिक रूल सिस्टम सही करें। ये क्या जरूरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना, अगर कुछ नहीं हुआ मैं डीएम से, एसपी से, यहाँ के प्रशासनिक अंदर जो भी मजिस्ट्रेट अपने आप को कह रही औरत बहुत ही अभद्र औरत है, बहुत अभद्र, मेरे साथ गेट के अंदर से अभद्र, क्या बोला गया? बहुत बहुत यहाँ से भाग जाओ, बुलाए एफ आई आर करेंगे, पुलिस बुला रहे हो। मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, मैं सर्वस्व लुटा दूंगा इस बेटी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, जो है यही है, मैं पूरा जिंदगी एग्जाम होगा, एग्जाम होगा और स्टूडेंट 1 मिनट भी लेट होता है उसको एंट्री नहीं लिया जाता। अभी अभी स्टाफ आया है, अभी जो भी बात हो रही है मैं नहीं पता, गुलाम लेट हो रहा है, अभी जो हमारी बात हो रही है उससे 15 मिनट पहले तब मैं बोला वीडियो बनाओ, अब इसके लिए गेट क्या खुला, तब भागी है छोट अंदर से ही सारा हुआ, भाग जाओ, कौन स्टाफ थी मुझे नहीं पता, अंदर या तो पता किया जाए। यहाँ पेपर सीसीटीवी कैमरा आगे का बंद है, मैम
इधर आइए मैम, इधर आइए ना, इधर आइए मैम, इधर तो आइए थोड़ा सा आप भी मतलब।